क्या आपको पता है हमारे फ्रीफायर गेम में क्रोनो को छोड़ के और भी बहुत सारे अनफेयर कैरेक्टर्स हैं। वैसे तो OB27 अपडेट के बाद से क्रोनो की एबिलिटी को चेंज कर दिया गया है, बट स्टिल वो अभी भी अनफेयर है। और OB27 के बाद सबसे ज्यादा अनफेयर कैरेक्टर है वो है वुकोंग। बट आप लोगों को सिर्फ इन दो ही कैरेक्टर के बारे में पता है जो की सबसे ज्यादा अनफेयर है, लेकिन क्या आप लोग को पता है और वैसे कैरेक्टर्स है जो की और भी ज्यादा अनफेयर है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को टॉप 5 मोस्ट अनफेयर कैरेक्टर्स ऑफ गरीना फ्री फायर के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में आप लोग को शायद ही पता होगा। आप लोगों को बस इतना पता है कि वुकोंग और क्रोनो अनफेयर कैरेक्टर है, बट मैं आज की इस वीडियो में ना वुकोंग का नाम लूंगा ना ही क्रोनो का नाम लूंगा। इन दोनों को छोड़ के और भी बहुत सारे कैरेक्टर जो कि अनफेयर है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं अभी ना आप लोगों का टाइम बर्बाद के लिए। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो भाई लोग, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस और भी जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। हां, वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना भाई लोग। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, तो अगर आप लोग चाहो तो मुझे जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो कैसे आप लोगों को तो ये बात पता ही है, हमारे फ्री फायर गेम में चल रहा है KO नाइट कोलैबोरेशन, जिसमें आप लोग काफी सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। उसी के साथ अभी और भी कुछ न्यू रिवॉर्ड्स आए जो आप लोग को मिलने वाला है, जैसे कि बैकपैक की स्किन, व्हीकल की स्किन एंड बंडल्स एंड न्यू फिस्ट की स्किन। तो आप लोग कैसे मिलेगा मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। तो ये जो बंडल है आप लोगों को बहुत जल्द हमारे फ्री फायर गेम में अवेलेबल मिल जाएगी। आप लोग को याद होगा कोबरा का जो बंडल है कौन से इवेंट में आया था, उसी तरीके से ये बंडल उसी इवेंट में आएंगे एंड उस इवेंट में ये फिस्ट की स्किन आप लोगों को एज अ रिवॉर्ड देखने मिलेगी। एंड देन उसके बाद आप लोगों को ये बैकपैक की स्किन मिलेगी। आप लोगों को 35 टोकन से एक्सचेंज करना है इस बैकपैक को, जो कि आप लोगों को सुन मिल जाएगी। एंड उसके बाद 24 अप्रैल को आप लोगों को फ्री रिवॉर्ड मिलेगा ये व्हीकल की स्किन। बस आप लोगों को 24 अप्रैल को याद से लॉग इन करना है, ये आप लोगों को लॉग इन रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप लोग कितना एक्साइटेड हो इस चीज के लिए बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताना। तो हम लोग बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। जो नंबर 5 पे कैरेक्टर आता है उसका नाम है मोको, एंड एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। एंड इसकी स्किल का नाम है हैकर आइज। मोको के बारे और भी आगे बात करने से पहले मैं आप लोग एक बंदे के बारे में बता रहा हूँ जिसके चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। वो बंदा डेली गेम प्ले अपलोड करता है, मतलब बहुत ओपी लेवल के, बट उस बंदे को सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग गेम प्ले देखना पसंद है तो प्लीज जाके उस बंदे को सपोर्ट करना, जल्द से जल्द उस बंदे के 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो भाई। तो हम लोग बात करते हैं मोको के बारे में। एंड मोको की स्किल का नाम है हैकर आइज, एंड इसकी स्किल बहुत ही ओपी है, बट मुझे कहीं ना कहीं इसकी स्किल अनफेयर भी लगती है। इसकी स्किल कुछ इस तरीके की, अगर आप कोई बंदे को हिट करोगे, आपकी एक गोली भी उस बंदे को लगती है, तो 5 सेकंड तक उसकी जो लोकेशन रिवील हो जाएगी, मतलब मैप पे एक रेड डॉट सा आएगा कि बंदा 5 सेकंड तक कहां जाना है कहां नहीं आपको दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा ही देगा, उसी के साथ साथ आपके टीममेट्स को भी दिखाई देगा। ये मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगा। चलो आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि आप शूट कर रहे हो, लेकिन आपके शूट करने के बाद भी आपके टीममेट्स को दिखाई दे रहा है, ये मुझे अनफेयर लगा। गरीना फ्री फायर एक बैटल ग्राउंड गेम है, एंड बैटल ग्राउंड गेम में सबसे बड़ा रूल होता है सर्वाइव। लेकिन यहाँ फ्री फायर में ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि सामने वाले बंदे को सर्वाइव करने ही नहीं देते, क्योंकि इनकी स्किल ही कुछ इस तरीके की है। बट क्या करे यार, इसकी जो एबिलिटी है काफी ज्यादा ओपी है, तो इस पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ। बट अगर बात करें अनफेयर की, तो हाँ भाई ये कैरेक्टर अनफेयर है। अगर इसकी एबिलिटी सिर्फ आपको ही नजर आती तो ये ठीक रहता है एक हद तक, लेकिन आपकी टीममेट्स को भी रिवील हो जाती है, फिर वो सामने वाला बंदा करेगा तो करेगा ही क्या। तो अब लोग बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ भाई लोग। जो नंबर 4 पे कैरेक्टर आता है उसका नाम है क्लू। अब क्लू की एबिलिटी इतनी डेंजर है, इतनी अनफेयर है कि आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। क्लू की एबिलिटी एक एक्टिव स्किल है, एंड इसके एक्टिव स्किल का नाम है ट्रैकिंग स्टेप्स। अगर आप क्लू यूज कर रहे हो एंड आपके 30 मीटर के अंदर कोई भी जो बंदा है बैठा है और या फिर लेटा है, तो आपको मैप में नजर आएगा, लेकिन अगर वो बंदा खड़ा है तो आप लोगों को उसका पोजीशन रिवील हो जाएगा मैप में 5 सेकंड के लिए। एंड लेवल 1 का कैरेक्टर है मेरा, और लेवल 1 पे इसका कूलडाउन सेकंड है वो है 50 सेकंड्स, और ये मैक्स का होगा तो पता नहीं और कितने का कूलडाउन सेकंड हो जाएगा, शायद 40 सेकंड का कूलडाउन सेकंड हो जाएगा, 40 या 30 सेकंड का। एंड मेरे पास ये कैरेक्टर है ही नहीं, तो लेवल अप कहां से करूं। एंड जब ये लेवल 4 का होगा या फिर होगी, तब आपके जो टीममेट्स है उनको भी एनिमी की जो पोजीशन है वो रिवील हो जाएगी। मतलब बेचारा एक एनिमी घर में बैठ के कैंप कर रहा है, चुपचाप बैठा है, फिर भी यार ये क्लू कैरेक्टर तो उस बंदे को चुपचाप बैठने भी नहीं देगी। बट हां, आप क्लू से बच सकते हो अगर आप लेटे हो या फिर बैठे हो, अगर आप खड़े हो तो आप क्लू से बच नहीं सकते। बाय द वे, आपके पास एक क्लू कैरेक्टर है या नहीं ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना भाई लोग। एंड आपको कैसा लगता है क्लू कैरेक्टर ये मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। एंड जो नंबर 3 पे कैरेक्टर आता है उसका नाम है राफेल। OB27 अपडेट के बाद से इस कैरेक्टर की जो स्किल है उसको पैसिव कर दी गई है। OB27 अपडेट के पहले एक्टिव स्किल थी, अब इसकी पैसिव स्किल कर दी गई है। एंड इसकी स्किल इस तरीके की है भाई लोग, क्या आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। स्नाइपर गन होता है, स्नाइपर्स या फिर कोई भी मार्क्समैन राइफल्स। मार्क्समैन राइफल में आता है ड्रैगनो, SKS, VSS और पता नहीं कौन कौन से, वुड पिकर भी शायद से आता होगा।
एंड स्नैपर में तो AWM Kar98 और M2 भी आता है। तो सपोज आप लोगों ने ये गन पकड़ी है तो आपका ऑटोमेटिकली साइलेंसर लग जाएगा, गन में शो नहीं करेगा साइलेंसर लगाया करके अगर वहां पे मजल हो या फिर साइलेंसर मैटर नहीं करता। लेकिन राफेल कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि वो बंदे जब आप बंदे को मारोगे तो बंदे को नजर नहीं आएगा कि आप कहां से मार रहे हो। और एक पैसिव स्किल है, इसका मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब जो आप बंदे को शूट करोगे तो बंदे को 10 सेकंड के लिए दिखाई नहीं देगा, फिर 15 सेकंड के लिए दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं। आप शूट करते रह जाओगे और बंदे को नजर ही नहीं आएगा कि राफेल कैरेक्टर मार कहां से रहा है। और इतना ही नहीं, अभी और बचा है, अगर आप एनिमी को शूट करते हो या फिर एनिमी डाउन है तो उस एनिमी की जो HP है वो जल्दी जल्दी लूज होगी, मतलब डिक्रीज होगी 38% से। अगर लेवल मैक्स का होता है तो शायद 40% से जल्दी सामने वाले बंदे की HP जल्दी जल्दी लूज हो, मतलब डिक्रीज हो। तो ये है राफेल कैरेक्टर की एबिलिटी। बाय द वे, अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। एंड आप लोगों को राफेल कैरेक्टर कैसा लगता है ये भी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना। सो नाउ लेट्स गो टू नंबर 2, एंड जो नंबर 2 पे कैरेक्टर आता है उसका नाम है के। अब आप लोग बोलोगे अगर भाई तुम के को ले रहे हो तो उस हिसाब से तुमको आलोक को भी लेना चाहिए। देखो आलोक है, उसकी लिमिट होती है एक्टिव स्किल की। अगर आप लोग उसका एक्टिव स्किल यूज करते हो तो 10 सेकंड तक उसका एक्टिव स्किल रहेगा, 10 सेकंड में आपको 50 SP देगा ज्यादा से ज्यादा, और 40 सेकंड में कूल डाउन होगा, मतलब 40 सेकंड में कूल डाउन तक आप लोग आलोक को यूज नहीं कर सकते। बट के की एबिलिटी कोई लिमिट ही नहीं है, आप लोगों के पास दो ऑप्शन है के की एबिलिटी यूज करने का। सबसे पहले आपको EP चाहिए, के कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करने के लिए आपको EP चाहिए ही चाहिए, तो EP ऑटोमेटिकली के ही देगा। हर 2 सेकंड में के 2 EP देते ही रहेगा, और आपकी HP डाउन है तो वो EP से वो HP को कन्वर्ट करेगा हर सेकंड में 5-5 HP। और इसकी लिमिट ही नहीं है, जितना आपका EP रहेगा तब तक ये ऑन ही रहेगा के कैरेक्टर, मतलब खत्म ही नहीं होगा इसकी, जो जब तक आपकी EP है भाई लोग तब तक बढ़ते ही रहेगा आपका HP। और के की एबिलिटी खत्म होती ही नहीं है, अगर आपने एक बार EP टू HP कन्वर्टर वाला जो स्किल है स्टार्ट कर दिया तो जब तक EP है तब तक एक्टिव चालू ही रहेगा, मतलब आपकी HP बढ़ते ही रहेगी। अगर के में ऐसा रहता कि EP के नहीं देगा, आपको EP कहीं से लाना है मशरूम वगैरह खा के, और के जो है EP टू HP कन्वर्ट करेगा तो ये फेयर कैरेक्टर रहता, बट EP भी खुद ही दे रहा है, HP भी खुद ही दे रहा है, तो ये क्या मतलब भाई, ये तो अनफेयर हुआ ना। तो आप लोग के कैसा लगता है ना, आप लोग के को यूज करते हो या नहीं, ये बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जरूर बताना भाई लोग। तो हम लोग बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, एंड जो नंबर 1 पे कैरेक्टर आता है उसका नाम है स्काइलर। हाँ स्काइलर, और स्काइलर तो यार सबसे ज्यादा अनफेयर कैरेक्टर है, वुकोंग क्रोनो इन दोनों से भी अनफेयर मेरे को तो स्काइलर लगता है, स्पेशली कस्टम्स में तो इतना ज्यादा अनफेयर है कैरेक्टर, क्या है भाई ये, मतलब कैरेक्टर इतनी खतरनाक है। जो ये एक्टिव स्किल है, अगर आप लोग इसके एक्टिव स्किल को यूज करते तो एक साथ 5 ग्लू अगर बैक टू बैक लगेंगे तो 5 ग्लू को एक ही सेकंड में फोड़ देगा, मतलब जो बंदा ग्लूवल के अंदर होगा उसे तो चांस ही नहीं मिलेगा यार अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अगर कोई बंदा स्काइलर यूज करता है ग्लूवल फोड़ने के लिए तो। और बहुत जल्दी कूलडाउन भी हो जाता है, 40 सेकंड में कूलडाउन हो जाता है इसका स्किल। और इसका जो HP है, मतलब अगर आप लोग एक ग्लूवल लगाते हो तो आपकी 9 HP एक सेकंड में बढ़ेगी, और ऐसा ही 9 ही बढ़ेगी, जितना आप ग्लू लगाओगे ऐसे बढ़ते जाएगी, मतलब ओवरऑल एक ग्लूवल पे आप लोग को शायद ये 45-48 HP दे देती है, सॉरी 35 HP एक ग्लूअल पे देती है, मतलब कस्टम में तो अनलिमिटेड ग्लूअल होते हैं, तो इसकी HP कभी खत्म होगी ही नहीं, इसलिए मोस्ट अनफेयर कैरेक्टर है हमारे फ्री फायर गेम में, इसलिए नंबर 1 पोजीशन पे भी है। तो आप लोगों को स्काइलर कैसा लगता है, मेरे को पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी होगा स्काइलर, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टिल देन बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।